कि गणित के पिछले वीडियो में हमने गुणा करना सीखा था, अब हम यहाँ वर्ग करना सीखेंगे। वर्ग के लिए हमारा पहला सूत्र होगा निखिलम प्लस आधार, और दूसरा है सूत्र निखिलम प्लस उपाधार। जिस प्रकार हमने निखिलम के गुणा में आधार और उपाधार लिया था, यहाँ भी वैसा ही है। तो यहाँ आपको एक संख्या दी जाएगी, जैसे यहाँ हमें 15 का वर्ग करना है, तो आपको यहाँ एक सूत्र याद करना है कि संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ संख्या क्या है 15, तो ये संख्या आई 15। फिर यहाँ आधार क्या होगा, ये संख्या 10 के करीब है, तो आधार होगा हमारा 10। फिर हमने देखा कि विचलन कितना है इसका, तो इसका विचलन है प्लस के 5। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि चूंकि संख्या का वर्ग यानी 15 का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन, यानी संख्या की जगह 15 प्लस ये विचलन यानी 5 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो ये आया 15 और 5 20 ओब्लिक 25। अब गुणा में आपको आधार का नियम बताया था कि अगर आधार में एक शून्य है तो यहाँ एक अंक होना चाहिए, तो ये अंक हम इसमें जोड़ देंगे, तो 22 और ये 5 का 5, तो उत्तर आ जाएगा 225। इसी प्रकार ये सवाल है संख्या 104 विचलन प्लस का 4, आपको इस सूत्र में मान रखना और हल करना है। अब जैसे हम उपाधार की बात करें, तो संख्या तो हमारी हो गई 32। ठीक है, ये हो गई संख्या, यहाँ आपका आधार होगा 10। फिर हम देखते हैं कि ये 32 हमारे इस आधार 10 के करीब नहीं है, तो हमें उपाधार लेने की आवश्यकता है, तो यहाँ उपाधार होगा बराबर 30, क्योंकि ये संख्या 30 के करीब है। अब विचलन, जो हमारा विचलन होगा वो होगा प्लस का 2। ठीक है, फिर हम इस सूत्र में संख्या रखते हैं, मान रखते हैं कि संख्या का वर्ग यानी 32 का वर्ग बराबर उपाधार अंक, तो यहाँ उपाधार अंक रह गया है, तो उपाधार अंक, तो जिस प्रकार हम उसमें करते हैं निखिलम के गुणा में, वैसे यहाँ होगा कि 30 बट्टा 10 बराबर 3, तो उपाधार अंक यानी 3 गुणा संख्या प्लस विचलन 32 प्लस 2 ओब्लिक 2 का स्क्वायर, तो 3 गुणा पहले इस ब्रैकेट को हल किया तो ये आ गया 34 ओब्लिक 4। फिर 34 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 102 ओब्लिक 4। अब यहाँ आधार में एक शून्य है तो यहाँ एक अंक है, और यहाँ आधार में एक शून्य है तो ये ओब्लिक हटा देंगे। इस प्रकार हम वर्ग कर सकते हैं इन दो सूत्रों का प्रयोग करते हुए। यहाँ एक और लिखे हैं जिनको आपको हल करना